हनी भाई साथ चूल्हा लेके आए हैं छोटा सा, और ये सारा सेट भी लेके आए हैं भाई, चाय वाला बर्तन सारा कुछ ही है इसमें। ये जी सामने आ चुका है गुरुद्वारा पंजा शरीफ। हवा और तीन पे हवा आई नहीं है एरा मोई मोई हो गया रात। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। इंशाल्लाह जब ये ब्लॉग आएगा आप भी आएंगे इसके। थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी। रश चेक करें भाई, कितना रश है मार्केट में। ये सामने को बाजार है मेरा ख्याल। हनी भाई मुझे कहीं नजर नहीं है तो मैं डर गया, मैं कि शायद वो कहीं चले गए किसी दूसरी तरफ, तो मैं गलत रास्ते आ गया हूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ पे रुका था। क्या ओ ये क्या जीरा भी अल्लाह फंस गए, उतरेगा नहीं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम टूर पे निकले हुए हैं, तो कल रात हम पहुंच गए थे अपने रूम में। अपना रूम भी मैंने आपको विजिट करवा दिया था, लेकिन एक चीज भूल गया था दिखाने के लिए, वो है ये भाई, लाइट भी लगी हुई है बेड के साथ, लैंप वगैरह कह सकते हैं इसे। अभी सामान वगैरह हमने अपना सारा समेट लिया है, बस पावर बैंक मैंने बाहर रखा है ताकि मोबाइल चार्ज करने की जरूरत हो मोबाइल चार्ज कर ले। बैग पैक है, हेलमेट, तो इसका माइक का थोड़ा इशू है, वो मैं चेक करूंगा, अगर सोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कि बाद में व्लॉग किस तरह एडिट करने हैं, क्या करना क्या नहीं करने। हनी भाई रेडी हैं तो वो कह रहे हैं आ जाओ नाश्ता करने चलते हैं, और यहाँ से भी काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया हमने सामान। तो ये राइडिंग जैकेट है, ये जाने जाते वक्त पहन लेंगे, और ये हमारा छोटा मोटा सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। खैर अभी चलते हैं भाई, नंबर चाबी तो नहीं लानी, लॉक लगाना है, सामान अंदर छोड़ दिया मैंने। और ये चेक करें भाई, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ओह हो, सामने पार्क है बच्चों का, और वो सामने बैडमिंटन कोर्ट, वाह यार। और ये सामने हमारी बाइक्स लगी हुई हैं, वाह क्या जबरदस्त जगह है, और यहाँ से बाइक देखने का प्रेम मजा है भाई। चलें अभी चलते हैं, अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं जाके, फिर इंशाल्लाह निकलना। हमारा प्लान था सुबह 8 बजे निकलने का, लेकिन हमारा मोए में हो गया और रात मुझे नींद नहीं आई, आँख खुली बाद में तो पता चला 10 बज चुके हैं। खैर अभी तो 11 बज गए, तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर हमने जाना है पिंडी, वो नाश्ते के बाद आपको स्टोरी बताऊंगा हुआ क्या हमारे साथ। बाइक को कल मैंने देखा था, कील भी लगा हुआ था, अभी पता नहीं हवा है बाइक के अंदर, हवा तो है भाई। बाइक चेक करे भाई, कितनी गंदी हो गई है ना, मैं कह रहा हूँ क्या बताऊँ, ये चेक करे। ये चेक करे भाई, क्या ही खूबसूरत मंजर है भाई। ये सामने मेरा ख्याल वो दूसरा बास्केटबॉल का कोर्ट है, और उस तरफ पता नहीं कौन सा है, और यहाँ पे सामने मेस है। ये हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोए मोए हो गया रात। ये आप नीचे गिर गया, नीचे गिरा भाई 2-3 बार। देखो हम लोग कंगा जो है ना सालाना भूल ही गए थे, तो अभी यहाँ हसन भाई से लिया, तो अभी अपने बाल जो है वो सीधे कर लेते हैं। सही हो गए, चलो ठीक है। चलिए नाश्ता वगैरह आ चुका है, पहचाने क्या चीज़ है। चलिए गाइस नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, अभी आ गई हमारी चाय, तो साथ में अपना जो शानदार लेके आया था, क्योंकि गला वगैरह खराब है ना, चाय में मिलाते हैं और पीते हैं। ले जी गाइस नाश्ता वगैरह करके हम आ गए हैं अपने रूम में, अभी बैग वगैरह मैंने पहले भी दिखा दिए पैक कर लिया, अभी अपनी राइडिंग जैकेट पहनते हैं और अपने नी पैड वगैरह पहन के सेफ्टी गेयर पहन के अभी निकलते हैं। इंशाल्लाह टाइम जो है काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, हम 12:30 हो गए हैं तकरीबन, जाते जाते हमें दोबारा रावलपिंडी की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर आपको बताया कि हनी भाई का फोन जो है वो टूट चुका है, तो वो ठीक करवाना होगा, तो फिर देखेंगे कि आगे कहां निकलते हैं। आज का देखेंगे, आज कश्मीर मुजफ्फराबाद तक पहुंचते हैं या उससे आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, देखेंगे आपको भी साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले अभी रेडी हो जाते हैं। चले जी गाइस सामान वगैरह हमने बांध लिया है अच्छे तरीके से, हनी भाई ने भी बांध लिया, तो अभी बस बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से। ओके भैया, हसन भाई
फॉर द हॉस्पिटैलिटी। ओके भाई, ये चक्कर है भाई, कितना बड़ा कोई कील लग चुका है, तो अभी जाके दिखाते हैं और निकलवाते हैं इसे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चलिए गाइस, आज का सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से। अभी मुझे नहीं पता मेरी ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि साफ आवाज़ आई हो, तो बाकी देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं पिंडी, पहले पिंडी जाएंगे तो एक बज रहा है अभी, तो 2 बजे तक पिंडी पहुंचेंगे। वहां पे हनी भाई का वो बाल चेक करवाना है, वो ठीक करवाएंगे, उसके बाद जो हमारा ट्रिप है वो स्टार्ट होगा वहां से। पहले हम यहां पे आए थे तो ये हमने इधर से जाना था आटाबाग, आटाबाग की तरफ से निकलना था, लेकिन अब दोबारा वापस जाना, जब पड़ रहा है 50 किलोमीटर वापस, तो 50 किलोमीटर जाएंगे, बाद में दोबारा वहाँ से मरी की तरफ से होते हुए इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगे। ये जो सामने आ चुका है गुरुद्वारा पंजा शरीफ, तो ये सामने हमारे गुरुद्वारा, ये सारा उसी का एरिया है, पार्किंग वगैरह। पहले हम आते थे बाहर बाहर से निकल जाते थे, आज इसके करीब से निकलेंगे। कहते हैं बड़ा तारीखी है ये गुरुद्वारा पंजा शरीफ, तो अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन आपको बाहर बाहर से दिखा देते हैं भाई ये जी गुरुद्वारा। वैसे अंदर जा सकते थे, चलो कोई नहीं, खैर बॉय। व्यू चेक करो व्यू, पता नहीं आवाज कैसी आ रही है कि नहीं आ रही, व्यू चेक करें आप। ये जी आई थिंक हम इस्लामाबाद इंटर हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत मौसम है यहाँ का भाई, बादल आया। अभी सुना है कि आगे जहाँ पे हम जा रहे मुजफ्फराबाद वहाँ पे भी बारिश है, तो यही टाइम है बारिश का और यहीं पे स्टार्ट ना हो जाए, मुजफ्फराबाद में बारिश होगी। चलो देखने हैं क्या करना है भाई, सिग्नल ग्रीन। यहाँ पे पता नहीं क्या सीन हो रहा है कि सारी गाड़ियाँ जो ना इस लाइन पर लगी हैं। मैं कहा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, बैरी यूनिवर्सिटी शायद, मैंने ठीक पढ़ा हो तो, मैंने यूनिवर्सिटी का टाइम है तो इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे जगह जगह ना पुलिस खड़ी हुई है, तो यहाँ भी खड़ी है, पीछे भी खड़े थे, उसे पीछे भी खड़े थे, उसे पीछे भी खड़े थे, तो बड़े एहतियात के साथ मैं बाइक चला रहा हूँ। उधर भी खड़े हैं वो, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, बातें कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे भी कहीं पे खड़े होंगे शायद, नहीं वो सामने खड़ा है, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। उधर सामने खड़े हैं 4 बंदे, उधर खड़े हैं 2, उधर खड़े हैं 2, इधर खड़े हैं, एक सामने खड़ा है, पुलिस ही पुलिस हुई हुई है यहाँ पे, तो क्या खड़े भाई, पुलिस ही पुलिस है यहाँ पे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, वाह क्या मज़ेदार रोड है, क्या मज़ेदार सीन है और क्या मज़ेदार बाइक है भाई, मज़ा आ गया भाई। यार मैं कह रहा हूँ बाइक यहाँ तक लाने के तो मुझे पैसे पूरे हो गए, बाकी जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो तो आप बस अल्लाह ख्याल रखे कि हम खैरियत से जाएँ, खैरियत से वापस आए और हमारी बाइक भी सलामत रहे और हम भी सलामत रहे। बाकी व्हाट अ व्यू। चले जी गए, अभी हमें पता चला है कि हम जा रहे थे वापस, तो हमें जाना दूसरी तरफ, तो अभी यहाँ से यू टर्न लेते हैं। ये भी एक एडवेंचर, मैंने कहा आपको भी साथ ही दिखा दूँ। ओ भाई यहाँ पे हमारी बाइक भी चेक हो जाएगी कि क्या ट्रैफिक की बढ़िया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई
मजा आ गया भाई, मजा आ गया। व्यू चेक करें, यहाँ से व्यू चेक करें इस्लामाबाद का, व्हाट अ व्यू। बाकी मुझे देखो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मेरे बाइक का टायर जो है स्किड करता है, तो ये जगह भी इसी किस्म की है, लेकिन आराम से चले जाएंगे। बाहर जाके पता नहीं मज़ा आता कि नहीं आता, मुझे तो यहीं पे मज़ा आ गया। ये भी मैंने फील ले ली है जो मैं लेना चाह था ना, फील आ गई भाई यहाँ से। वाह, मोए मोए चले। अभी दोबारा से वापस चलते हैं, पीछे कोई रोड थी वो हमने मिस कर दी है, तो इस तरफ जाना हमने, इस तरफ गैस ये वाली रोड जो सामने आपको पुल के ऊपर नज़र आ रही है, हमने जाना इस रोड पे। लेकिन मेरा ख्याल ये पीछे से ऊपर जा रही है, तो हम छोड़ आए अभी दोबारा से पीछे की तरफ चलते हैं, बैग लेते हैं अपनी बाइक्स को, गाड़ियों को, ताकि हम रोड चढ़ सकें। असल में ना हनी भाई का मोबाइल जो है टूट चुका है, तो उस पर वो मैप भी नहीं चला सकते, तो मेरे बैग की मोबाइल की वैसी बैटरी कम है, तो खैर अभी इसी तरह गुजारा करेंगे। अभी हमने वापस ही बाइक घुमाली, तो अभी चढ़ते हैं ये वाला रोड ऊपर। गाड़ी अरे देखता नहीं है, चले भाई। भाई हो सकता नहीं वैसे, लेकिन आज हनी भाई रस्ता भूल चुके हैं, तो अभी पूछ रहे हैं कि किधर जा रहा है, समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज हमने हसरत दास से जो रस्ता लिया ना वो था न्यू रस्ता, उसी की वजह से हनी भाई भी बोल चुके हैं। हाँ सीधे ही, अभी पूछ रहे सीधे जाना पीछे, चलो दोबारा पीछे चलते हैं। आज का दिन मुझे लगता है हमारा यहीं पर लग जाएगा सारा, बहुत सारे काम रहते हैं जो करने हैं, बाइक का पंक्चर भी लगाना है, कील अभी तक लगा हुआ है, और बाकी हनी भाई का मोबाइल ठीक हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम। चलिए जी गाइस, पहुंच चुके हैं मोबाइल मार्केट में, तो यहाँ पे दिखाते हैं मोबाइल हमारा क्या सोचा है। हाँ जी, यहाँ से तो मोबाइल हमारा ठीक नहीं हुआ, तो अभी अगली मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या बनता है। अभी गाइस मैंने कहा आपको पिशावर की, पिशावर मेरे मुंह से निकल गया, रावलपिंडी की सड़कें भी दिखा दें, गली मोहल्लियाँ भी दिखा दें। ये जी हम इंटर हो गए, अभी हम जा रहे थे दूसरे प्लाजा की जाना, तो ये सड़क जी कितनी तंग सी सड़क है, मैंने कहा आपको ये भी फील आ जाए लोकल फील, तो वो भी दिखा दें। यही तो करने हम आए हैं घूमने के लिए, जो भी घूमने वो भी आपको साथ साथ ही दिखाते रहेंगे। अभी टाइम जहाँ पे मुझे लग रहा है अंदाजन तकरीबन 3 बज गए होंगे या 3:30 हो गए होंगे, तो अभी हम रावलपिंडी में ही हैं, अल्लाह का ख्याल करें इंशाल्लाह यहाँ से फारग हो गए, फिर जाएंगे हम अपने अगले रोड ट्रिप के लिए। ओहो ये क्या जीत आ गया, अल्लाह फंस गए, उतरे गए यहाँ से, गूगल मैप ने ना फंसा दिया हमें, इसलिए कहते हैं गूगल मैप की ज़रा सुननी नहीं चाहिए। आगे है भाई ये चीज़, मेरी तो पास जानी तेरी डाउट हुई फिर भी चाहे निकल जाए, गूगल मैप ने हमें इस रस्ते पर डाल दिया, तो अभी यहाँ से कैसे निकलना ये नहीं पता। अभी यह भी उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा यहाँ से, और ये भी मेरे ख्याल में उतर जाएगा। हाँ वापस है भाई, अभी यहाँ से वापसी कर लेते हैं, बाइक नहीं उतरेगी, आगे भी पता नहीं क्या रस्ता है क्या नहीं, गली भी तंग है। मुझे नहीं लगता कि हम आज आगे भी जा सकेंगे, क्योंकि
अभी हम उस प्लाजा तक नहीं पहुँच सके जहाँ पे हमने मोबाइल ठीक करवाना, क्योंकि पहले इधर जाना, इधर भी इतना जाम, फिर वापस आना है। तो आपको जाम नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। तो अभी वहाँ से आगे से यूटर लेंगे, फिर रहेंगे, फिर जाना है। तो ये सारा रोड ब्लॉक है, तो मुझे शक है कि शक नहीं 100% कन्फर्म ही लग रहा है कि रात इधर ही हो जाएगी। गाइज अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:15 हो गए, तो हम पहुंच गए हैं मार्केट में। बाइक हमने यहाँ पे लगा ली है, अभी जाके मार्केट से पता करते हैं कि कहाँ से मिलेगा पैनल। रश चेक करें भाई, कितना रश है मार्केट में। ये सामने को बाजार है मेरा ख्याल। फाइनली जी हनी भाई आ गए हैं मोबाइल ठीक। हाँ डन है, उतो ही टाइम दिखा गई है, टाइम नहीं नहीं मोबाइल तो दिखा। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह 5:15 हो चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। अभी बाइक्स निकालते हैं अपनी बाहर। यार हवा कम लग रही बाइक के टायर से, तो ये नहीं करवा रहे हैं है? तो ये हाँ बाइक का पंचर भी लगवाते हैं और बाइक निकालते हैं यहाँ से। अभी बाइक जो फ्यूल दिखा रही है, फ्यूल तो फुल्ली दिखा रही है टैंकी का, लेकिन आगे ही जाके पता चलेगा कि कितना फ्यूल है इसमें। वापसी का रास्ता याद नहीं, अभी लगा लेते हैं मैप मोबाइल में। रास्ते पता ही नहीं है यहाँ के, किधर जाना किधर नहीं लगा रहा। सुबह आए थे तब भी यहाँ पे रोड जाम था, अभी भी जाम है। देखेंगे अभी यहाँ से निकलो, निकलते ही मुझे लगता है 2-3 घंटे हो जाएंगे। ये क्या सेल हो रहा भाई साडा। मैं कहता हूँ आज आपको पूरा रावलपिंडी ऑलमोस्ट दिखा दिया हुआ मैंने, हर बाज़ार तकरीबन हल्का फुल्का सा आपको दिखा दिया कि भाई इस तरह की फील है रावलपिंडी में। एक साइड है जो काफ़ी ज़्यादा पोश एरिया, और ये भी एक साइड है यहाँ पे मार्केट्स है तरह तरह की। अभी ये पता नहीं कौन सी मार्केट है। वंस अगेन गलत रास्ते में आ गए थे और यहाँ पे रश के जाम भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ से यू टर्न लेते हैं, ये गाड़ी निकलेगी फिर ले होगा यू टर्न हमसे। चले ये काम भी हो गया, आगे फिर रश है। ओहो पता नहीं आज क्या होगा हमारे साथ, हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। सारा दिन ये भी जाया हो गया। चलो जो भी होता है अल्लाह बेहतर करता है, किसी वजह से ही हम लेट हुए हैं। चले थैंक गॉड फाइनली तकरीबन मेरा 1-2 घंटे के बाद हमें रोड साफ नजर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई मुझे कहीं नज़र नहीं है, तो मैं डर गया, मैं कि शायद वो कहीं चले गए किसी दूसरी तरफ, तो मैं गलत रास्ते आ गया हूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ पे रुका था।
उसे पूछ लेंगे, देखिए वो कहाँ गए, उन्होंने बताया कि ये पुल जा रहा है ऊपर, इसके साथ साथ जाना है, तो आगे जाके ये पुल टर्न करेगा, वहाँ पे वो खड़े हैं, तो मैं डर गया था ना कि शायद पीछे से कहीं पे ना वो टर्न कर गए हैं, तो मुझे नज़र नहीं आया था क्योंकि मैं आगे था, बाद में पीछे नज़र कोई नहीं बनाया। चले अभी चलते हैं वहाँ पे। ये आ गया जी सामने पुल जो टर्न कर रहा है बाई जानब, बाई हाँ बाई लेफ्ट साइड पे, तो यहीं पे हनी भाई कह रहे कि मैं खड़ा हूँ नीचे, अब वो सामने नजर आ गए मुझे, आगे 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 मैंने तो नजर नहीं आया, मैं आगे पता कितने आ गया, मैं पता बाद में खेल लिया है। यहाँ से लगवा लेते हैं पंचर बाइक का जी, पंचर लगवाना, पंचर लगाना, हाँ जी हाँ जी ट्यूबलेस, ये देखे कहाँ पे है, हाँ बढ़ ले बढ़ ले हवा बढ़ ले हवा, और तीन पे हवा आई नहीं है, हवा बढ़ गई है, तो अभी ये कील निकालेंगे और पंचर लगेगा फिर। कील खतरनाक सही लगा हुआ है भाई, ओए होए 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 होए, लीकेज तो नहीं ना, लीकेज तो कोई नहीं, ठीक हवा प्रेशर चेक कर। आगे मैं रखवाता हूँ 32, पीछे रखवाता हूँ 35, लो जी 35, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ग्लव्स निकाल दे, ग्लव्स, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने कहा ग्लव्स पहन लेते हैं, हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं तो आगे सर्दी और भी ज़्यादा होगी, तो ठीक है बस। बाकी तकरीबन सारा कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, बिस्मिल्लाह। अभी हम यहाँ से जाएंगे मरी, फिर देखेंगे आगे हमने जाना कहाँ है, क्योंकि आज सारा दिन हमारा रावलपिंडी लग गया, सारा दिन, अभी देखते हैं कहाँ तक जा सकेंगे, कहाँ तक का पॉसिबल है भाई। और कह रहे हैं साढ़े को सूए मिल जाएंगे या पंप मिल जाएगा, पंचर जे ना वो नहीं है, बाकी पंचर कितों लैने, मिल जाने इन्होंने रखा वा पंप, एडा वा पंप नाल सूए है, तो मैं क्या लादा मिल जूगा, कहते लादा नहीं पूरे किट लैनी पे, एडा वा डब्बा कहता, इतने टायरों की कोई दुकान है अगे जाके बड़ी जी, उतो सारी सेवा मिल जानी, कहता आप पिछले गड्डी को ला गया। चलो जी फाइनली हमें पंचर किट मिल गई है, तो वो भी रख लिया, अभी ये भी साथ चाहिए था, ये भी रख लिया है, अभी पी लेते हैं चाय कहीं पे जाके, अगर साथ में मिली है चाय अनाल, चलो फिर चाय पीने जाके, थैंक यू। चले जी गए, हमारी चाय आ गई और साथ हमने एक पराठा मंगा लिया, क्योंकि सुबह से सिर्फ नाश्ता किया, बाद में कुछ खाया नहीं, अभी यहाँ से थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी आगे जाएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ जाके रात का खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, चाय वगैरह और पराठा हमने खा लिया है, तो अभी चलते हैं, अभी हमारा प्लान है कि यहाँ से जाएंगे मरी, मरी से आगे मुजफ्फराबाद इंशाल्लाह ताला। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि 8:30 तक मुजफ्फराबाद हों, अगर तो हो गए तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जाने की, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ठीक है भाई जी।
पहले सब्सक्राइब करना है। मैंने कर दिया सब्सक्राइब। हो गए? हाँ थैंक यू भाई। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जब ये ब्लॉग आएगा आप भी आएंगे इसके। थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबान। चलिए गाइस अभी निकलते हैं। ग्लव्स वगैरह मैंने पहने हैं तो मोटो ब्लॉग नहीं कर सकूंगा क्योंकि दस्ताने बार बार मैं उतार नहीं सकता। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपको मंजिल पे पहुंच के ही मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम पहुंच गए हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद। और ये लाइटिंग देख के यार मज़ा ही आ गया मुझे। रात टाइम चलिए गाइस अभी हम आ गए हैं अपने रूम में। तो रूम हमने ले लिया यहाँ पे, अभी आपको विजिट करवाते हैं। ये है जी हमारा रूम, तीन बेड है यहाँ पे, टीवी भी लगा हुआ है, अलमारी भी है यहाँ पे और ये भी उसी तरह खाली। ये वाली साइड नहीं खुली, हाँ खाली है, सिर्फ ये एक स्टैंड पड़ा कुरान जी पढ़ने के लिए। और सामने मिरर लगा है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे तीन सोफे पड़े हुए हैं, किसी ने बैठना हो तो बैठ सकता है। सात टेबल है, कारपेट, टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे, एसी भी लगा है, पता नहीं चलता है नहीं चलता, पंखा भी है, सीलिंग भी अच्छी है और वाशरूम साफ सुथरा वाशरूम है भाई। ये है जी हमारा आज का रूम। तो ये रूम हमें पड़ा है तकरीबन 1800 रुपए का, ये मुजफ्फराबाद में। अभी खाना खाना है तो अभी खाना खाने चलते हैं। ये है सामने हमारे रूम के व्यू, सुबह देखने में और भी मजा आएगा। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सामने लाइटिंग कितनी ज्यादा नजर आ रही है। काफी ज्यादा प्यारा व्यू है यहाँ से बाहर का भाई। चलिए अभी चलते हैं जाके खाना खा लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 हो गए। तो अभी हम आए हैं बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, पैसे निकलवाते हैं फिर जाके खाना वगैरह खाते हैं। सर्दी बहुत है यहाँ पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अभी बता रहा था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हमने आगे जाना है, आगे तो इससे भी ज़्यादा सर्दी होगी। तो उसके लिए फिर इलाज जो मैंने किए हुए हैं तो वो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे और इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। कल का प्लान इंशाल्लाह कल बताएंगे। लिक्विड ले ला, नहीं सूखा दूध ले ला, मैं कहता लिक्विड ही ले ला। अभी हम आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ लग रहे हैं हमारे चपली कबाब। हमारे चपली कबाब आ गए तो मैंने स्पेशल क्या है कि स्पाइसी लगवाया है ये वाला, तो खा के देखते हैं किस तरह के। और साथ रोटी, खाना वगैरह खा के गाइस हम अब वापस आ गए हैं अपने होटल पे। तो अभी कॉफ़ी पीने का मूड है। हनी भाई साथ चूल्हा लेके आए हैं छोटा सा और ये सारा सेट भी लेके आए हैं भाई, चाय वाला बर्तन सारा कुछ ही है इसमें। तो अभी दूध का अंदर अंदर ले आ, ठीक है भाई, दूध दूध कॉफ़ी और चीनी, ठीक है अभी कॉफ़ी बना के पीते हैं। दूध अभी लेके आए हैं बाहर से ही। कहाँ पड़ा है भाई दूध, किधर है? चीनी, ये होगी चीनी और ये हो गया हमारा दूध। कॉफ़ी किधर है भाई? कॉफ़ी, ये होगी कॉफ़ी। ओके और कोई चीज़ बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल कॉफ़ी बना लेते हैं और साथ व्यू इंजॉय करते हैं भाई। ले जी दूध में चीनी डल चुकी है, चूल्हा नीचे से जल रहा है और अभी बना दूध सारा डाल दिया है। चलो देखते हैं कितने कप बनते हैं। बाकी मैं तो अपना कप लेके नहीं आया चाय वाला, मैंने तो हनी भाई पे छोड़ी हुई थी कि हनी भाई सारा सामान लेके आएंगे। ये सब कुछ तो हनी भाई लेके आ गए, कह रहे कप नहीं लेके आया मैं, अपना ही लेके आया अकेला। कि चाय तो कल नहीं पीनी थी या बंदा दस ही दिता। ये जा रही है कॉफ़ी। चलो जी गाइस हमारी कॉफ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है तो अभी इसे रूम में ले जाते हैं। बाहर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बाहर चूल्हा जला लिया था हमने। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 तो सोते हैं। इंशाल्लाह सुबह जल्दी निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है हम तय कर सकें और अपनी मंजिल पे पहुंच सके। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और अपने भाइयों को सपोर्ट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।